सुपरस्टार धर्मेंद्र की बातें और यादें आज भी जब हेमा मालिनी के सामने बताई जाती हैं तो उनका दिल धड़कना शुरू हो जाता है। तो ऐसी ही एक बात हुई वृंदावन में, जहां सांसद हेमा मालिनी जी मुख्य मेहमान के तौर पर एक समारोह में आए और लुधियाना के हमारे एशियंस के सीनियर पेट्रन अशोक धीर साहब ने एक पिक्चर धर्मेंद्र जी की जैसे ही हेमा मालिनी जी को गिफ्ट की तो उस पिक्चर का कागज ऊपर से उतारते ही जैसे ही तस्वीर सामने आई तो हेमा मालिनी जी क्या उठे, ओ माय गॉड, इतनी खूबसूरत तस्वीर, ये क्या स्टोरी थी, कहाँ वे आई थी, कौन कौन लुधियाना की और शख्सियतें थी, आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरों और वीडियोस के माध्यम से। कि जो घर की बहू होती है, जो हमारे खानदान की धरोहर होती है, हम सब लुधियाने से आए हैं तो ये लुधियाना की बहू भी है। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था 1963 में, तो मैं उसी मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ है जहां पर धर्मेंद्र जी रहते थे। मैं सानेवाल से आया हूँ और सानेवाल से धर्मेंद्र जी 1958 में मलेरकोटला जोन एंड सन से फोटो खिंचवा के उन्होंने फिल्म फेयर मैगजीन के लिए भेजी थी। वही जो 64 साल पुरानी फोटो है, मैं इनको फ्रेम में मेरे को लेके आया हूँ। जोरदार तालियां इनके लिए। ये वही फोटो लेकर आए हैं जब है धर्मेंद्र जी बॉम्बे में पहली बार पहुंचे थे, उस फोटो को लेकर। जोरदार तालियां। और एक ये हेमा जी के बारे में दो लाइनें गाना चाहते हैं। पंजाब में जब भी कोई सामाजिक कोई समागम होता है, कोई फैमिली गेट टूगेदर होती है, अगर बॉलीवुड का ये गीत ना गाया, भगवान अपने शिष्य के लिए गाना गाता है। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात, जब मैं बैठा हूँ पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। पिछले 2 सालों से कोरोना की दुखदायी घड़ी थी, तो उसी दुखदायी घड़ी में ये मैंने गाना रिकॉर्ड करवाया था आपने। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय मदन गोयल जी, सुखदर्शन जैन खोला, राजेश हांडा जी, देवी चित्रलेखा जी, जिन्होंने इतने सुंदर ढंग से गायन के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया, बहुत ही अच्छा लगा आपका जो बताया, अभी बहुत समझ में भी आया क्या क्या मीरा जी के बारे में जो बोला, इट इज टू गुड लवली। देन विपिन मुकटवाला जी हमारे अपने मेरा भाई है, नारायण दास जी जो पूरे ब्रज के लिए कितना काम कितना योगदान देते आ रहे हैं, वरेंद्र गुप्ता जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, यस, संजीव सुडबांका, योर देन बद्रेश जी, आपका भी बहुत ही सुंदर
याद किया था, बहुत अच्छा लगा। मैं क्या बताऊं, ये तो मेरा अपना गौशाला है। मैं कुछ 30 साल पहले मैं यहाँ आई थी, तब से पहचान है हमारे भाई साहब मुकुटवाला जी से। तो यहाँ पर लाके दिखाया कि मुझे बहुत दिल कर रहा था कि गौशाला यहाँ पे बहुत होता है, ब्रज की पहचान। पंकज जी, आप लुधियाना से काफी मेंबर्स को लेके गोविंद गोधाम गौशाला जो अकूर घाट वृंदावन में है यहाँ लेके आए हैं, तो यहाँ आपका क्या ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे क्या चल रहा है? हम पिछले कई सालों से श्री गोविंद गोधाम वृंदावन गौशाला को चला रहे हैं। एक्चुअल में गौ सेवा तो ठाकुर श्री बांके बिहारी जी ही करते हैं, हमें तो उन्होंने सिर्फ निमित्त मात्र बनाया है। कोई भी प्राणी अपने जीवन में गौ सेवा नहीं कर सकता जब तक रानी राधा रानी की कृपा और ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की कृपा उस पर नहीं हो। हमें ठाकुर श्री बांके बिहारी जी ने चुना है इस लायक कि आप आगे आओ, लेकिन सारे कार्य वही कर रहा है। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की कृपा से 1700 के करीब गौवंश की यहाँ सेवा संभाल श्री गोविंद गोधाम वृंदावन में हो रही है। हेमा मालिनी जी आए थे, उन्होंने भी कहा कि मजेदार बातें आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। हमारा चैनल वॉइस ऑफ एशियंस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं लुधियाना से हूं एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस चैनल से, और कैमरा पर है शीतल वर्मा।